हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल। आज हम क्लास 12 के टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे बात करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। और हम आज एक क्वेश्चन करेंगे और हमारे आगे आने वाले वीडियोस में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे मैथ्स के। तो इसलिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे होंगे और मैथ्स में आपको आसानी रहेगी। और आपको कुछ जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। तो पहले हम थोड़ी यहाँ पे थ्योरी लेके चलेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम पढ़ते क्यों हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की हमें जरूरत पड़ती है साइंस में, डिफरेंट साइंस में, सोशल साइंस में एंड मेनी अदर फील्ड्स। जब आप आगे कोई कोर्स करोगे, जब आप पीजी यूजी पीजी करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन डेरिवेटिव्स का काम क्या है। ये हम डेरिवेटिव जो है अपने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और आगे भी पढ़ते रहते हैं, और यहाँ तक कि इसका इस्तेमाल हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए भी करते हैं। ओके, तो अब जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये क्या क्या हम लोग इसमें लर्न करना है हमें, तो टू डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे रेट, ये रेट का ये चीज आप नोट डाउन करिएगा कहीं भी आके डेरिवेटिव्स में। ये जो रेट टर्म लिखा है ना, रेट टर्म मतलब होता है कि चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डी बाई डी टी दिस थिंग। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो इसका चेंज जो है हम जो है इसी को कहते हैं रेट। तो कहीं पे अगर रेट लिखता है तो हमें सोचने वाली की नहीं है कि हमें किससे इसको डिराइव कर, किससे इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। इसे हमें टाइम से डिफरेंशिएट करना होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेट। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का आपको पता है टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। किसी भी सर्कल से पास करती हुई लाइन एक जो होती है टेंजेंट होती है, एंड नॉर्मल टू अ कर्व एट अ पॉइंट, ठीक है। एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज हमको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हम यूज कैसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो एरिया ऑफ सर्किल पर सेकेंड हमें चेंज बताना है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, है ना। रेडियस के रेस्पेक्ट में सर्किल का एरिया पर सेकेंड चेंज कितना होगा ये हमें देखना है। तो यू नो दैट एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये आपको आता होगा। ओके, अब इस एरिया को में क्या करना है, हमें पर सेकेंड इसका निकालना है। दैट मीन्स कि हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। बट क्या टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे, टाइम के साथ डिफरेंशिएट नहीं करना होगा। यहाँ पे किसके साथ डिफरेंशिएट करना है, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस दे दिया है। अगर यहाँ पे पूछता है रेट ऑफ एरिया चेंज, अगर क्वेश्चन ये पूछेगा देन वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बट यहाँ पे हमें क्या पूछा है, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। सो यहाँ पे सीधे सीधे इसको आप जब रेडियस के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा आपका क्या, टू पाई आर। डेरिवेटिव्स में आपने पढ़ा होगा कि डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू टू आर। ओके, पाई इज कॉन्स्टेंट टर्म, सो पाई बाहर आ गया, टू आर बच गया। यहां से अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, टू इंटू पाई इंटू आर, आर की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 10 पाई, विच विल बी आवर आंसर। तो सिंपल होता है ये क्वेश्चन, सिंपल था। आगे भी वीडियोस आएंगे जिसमें कि आपको थोड़ा सा लेवल अप मिलेगा। थैंक यू।